दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। लीड बैंक अधिकारी शंकर सिंह दुप्ताल, FLC महेंद्र सिंह बेड़ा तथा सिटी मिशन मैनेजर उर्मिला बिष्ट ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को बैंक से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान महिलाओं को वित्तीय लेन देन तथा ऋण अदायगी के संबंध में भी जानकारी दी गई। आज हमने यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों के लिए शासन के आदेशानुसार वित्तीय साक्षरता कैंप रखा है। हमारा एक चेली बेटी फेडरेशन है जो कि पूरे सिटी लेवल का फेडरेशन है। उसमें हमारे 10 जो फेडरेशन हैं उनकी सभी अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष उन्होंने प्रतिभाग कर रहे हैं ये लोग, और साथ में जिला अग्रणी बैंक का अधिकारी LDM सर और FLC सर और मेरा जो NULM का स्टाफ है, हम सभी लोग ने प्रतिभा कर रहे हैं। तो इसमें जो मेनली ये जो कैंप है ये इसलिए रखा गया है कि जो स्वयं सहायता समूह में जो आंतरिक लेन देन होता है, जो ऋण ये लोग लेते हैं और जो सामूहिक बचत करते हैं, उससे क्या क्या ये लोग अन्य काम कर सकते हैं, और तथा जैसे कि ये लोन लेते हैं तो लोन लेने में क्या क्या इन्हें सावधानी रखनी चाहिए और कैसे इसको वापस करना चाहिए। साथ ही में हमारा जो स्वयं सहायता समूह का एक मेन कॉन्सेप्ट है वो है CCL, जो SHG की CCL जो बनाई जाती है, तो उसमें जो बैंक से लिंकेज किया जाता है, सपोज किसी का अगर 40,000 रुपये जमा है तो उसको 1,60,000 की उसकी लिमिट बनाई जाती है। तो उस लिमिट बनाने में और उस में क्या क्या परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है और कैसे ये लिमिट को वापस करेंगे, उसके बारे में मंथन चल रहा है, और जिसमें कि बैंक वाले इनका जवाब दे रहे हैं, और साथ ही बहुत अच्छी परिचर्चा यहाँ पर चल रही है। और साथ ही जो हमारे स्वयं सहायता समूह को लिमिट बनाने में कुछ समूह ऐसे भी हैं, जैसे हमारे पास 133 स्वयं सहायता समूह है, तो करीब हमने 50 स्वयं सहायता समूह की लिमिट बना दी है। बाकी जो शेष बची है जिनकी लिमिट बनाने में दिक्कत आ रही है, तो वो समस्या अपनी यहाँ पर सभी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष रख रहे हैं, तो उसी बात पर ये चल रहा है। साथ ही इसमें एक और है कि जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में भी हम बता रहे हैं कि किस तरह आप जो ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, किसी लिंक पर आप क्लिक मत कीजिएगा, और किस तरह से आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आज वित्तीय जो साक्षरता की बैठक हो रही है उसमें महिलाओं को बताया जा रहा है कि लोन किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से उसकी अदायगी करनी चाहिए। जैसे CCL कोई लोन लेता है उसमें किस प्रकार से लोन की अदायगी करनी चाहिए और किस प्रकार से उसको मतलब मेंटेन करना चाहिए कि उन पर भार ना पड़े और हमेशा लगातार उस पैसे को जमा करते रहें, समय पर अदायगी करें। अगर समय पर अदायगी नहीं करते हैं तो उनके ऊपर वो अतिरिक्त भार जो पड़ता है वो नहीं होना चाहिए। और माना कोई नहीं देता है, जैसे किसी दुर्घटनाओं से किसी का कुछ हो जाता है, वो लोन अदायगी नहीं कर पाता है बैंक का, तो उसमें उसको परिवार वालों से एक डेबिट बना के उसके परिवार की को जानकारी होनी चाहिए कि इतना हमने हमारी मतलब मिसेज ने या बेटी ने बहन ने लोन ले रखा है, तो उसकी अदायगी वो बैंक को फिर देना पड़ेगा ताकि समूह को नुकसान न हो। ये एक चेली बेटी हमारा सिटी लेवल वो है फेडरेशन है, इसमें सभी महिलाएं आई हैं, सभी महिलाएं अपने समूह की समस्याएं बता रही हैं बैंक को कि हमारी इंटर लर्निंग कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें लर्निंग करनी है और किस दर पर हमें ब्याज देना है, और इसमें जिनकी लिमिट नहीं बन रही है बैंक की, तो बैंक के जो अधिकारी आए हैं वो समस्या का समाधान कर रहे हैं, और समूह की महिलाएं इसमें अपनी परेशानियां जो चीज़ उनको बैंक में जाने से होती हैं या इंटर लर्निंग या कोई समूह से होती हैं, तो इसकी वो जानकारी ले रही हैं। इसमें इस सभागार में जो हम लोग साक्षरता वाले जो बातें दे रहे हैं उसके साथ महिला समूह को हम लोग उनके समूह जो भी समूह गठन कर रखा है उनके योजनाओं के बारे में हमने बताया उनको, तो उसको कैसे आप लोग को आय अर्जित करनी है, हाँ तो उसमें आप अपना रोजगार कैसे करेंगे, और समूह के बारे में हम लोग ने पूरी चीज़ें उसको बताई कि बैंक की क्या क्या प्रक्रिया होती है और समूह की क्या क्या प्रक्रिया आपको पूरी करनी है, तो इसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने वाली बात हमने समूह को बताया। और समूह को जो है
अधिक से अधिक समूह को गठन कर उनको समूह के लिमिट के बारे में भी बताया हमने उनको, और जो उनकी समूह की जितने भी उनके मासिक बचत है, मासिक बचत और उनकी जो जितने भी फाइनेंशियल पोजीशन है उनके अनुसार से आप जो बैंक आप उनका लिमिट निर्धारित करेगा। लिमिट निर्धारित करने के बाद आप उनकी जितने भी फाइनेंशियल पोजीशन है उस हिसाब से आपकी रिकॉर्ड के हिसाब से आप फंडिंग निकाल सकते हैं। तो फंडिंग निकाल के जो जो सदस्यों को यूटिलाइज है, जो जितनी जरूरत है अपने रोजगार कराने के लिए या आपकी जो है दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार से आप इंटर लोन लेके उसको समय से इंटर लोन लेके अपना काम चला सकते। उसके साथ साथ जो है आप उसको समय से अदायगी भी करेंगे। आप अगर जब समय से अदायगी करेंगे तो आपकी लिमिट और पैसे आप समूह के माध्यम से और निकाल सकते हैं। तो विशेषकर मैंने समूह से ये भी कहा था कि आप जो है लीजिए, फंड लीजिए, आप उपयोग करिए और उसको सही ढंग से यूटिलाइज करा के समय से अदायगी करें। और इसके साथ साथ जो है हमने पीएम स्वनिधि के बारे में भी उनको जानकारी भी दी। छोटे छोटे हमारे काश्तकार महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो छोटे छोटे हमारे जो है रोड पर फड़ वाले हैं, ये है उनकी छोटी छोटी जो रोजगारें हैं, तो इस के माध्यम से पीएम स्वनिधि के माध्यम से हमें फर्स्ट टाइम 10,000 रुपये, सेकेंड 20,000 रुपये और जो है तीसरा टाइम 50,000 रुपये की ये चीज़ें जो है योजनाएँ हैं जिसका अधिशय जो लाभ उठाने के लिए हमने कहा था। और शुरू में 10,000 रुपये जो है जो आप उनको फर्स्ट लोन जो दिया जाता है, एक जो है 10,000 रुपये से आप अपना कारोबार करें छोटी वाली से, जिससे आपको जो है मार्केट बना लें। आप अपने मार्केट और बाजार भाव आप तय कर लेंगे, अपने ग्राहकों को आप जो है अधिक से अधिक उनको जानकारी देंगे तो आपको इसमें से लाभ आपको अर्जित हो रहा है। तो दूसरा सेकेंड लोन आपको 20,000 और ले सकता है, उसके बाद भी जो है आप अदायगी सही करते हैं तो फिर तीसरा डेट 50,000 तक ये पीएम स्वनिधि के योजना के अंतर्गत आपको दे सकते हैं। तो उसके बाद आपकी जो है अर्जित अच्छी हो रही है। तो उसके साथ साथ जो है सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बैंक की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उससे अधिकतम 50,000 से भी अधिक तो इन योजनाओं के अंतर्गत आप ऋण ले सकते हैं अपने रोजगार के लिए। और उसके साथ साथ हमने जो है महिलाओं को बीमा योजना के बारे में भी बताया कि बीमा योजना को भी आप जो है अधिक से अधिक इसको भी कवर करिए, जिससे जो है बहुत से कोई भी किसी प्रकार की घटना भी हो जाती है तो इससे परिवार को थोड़ी सहायता मिलेगी। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।